हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका KPTCL मतलब कि कर्नाटका पावर थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या एज लिमिट है इसमें, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KPTCL ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कर्नाटका पावर थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर का है, जूनियर असिस्टेंट्स का है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ आपको मिल जाती हैं 1492। अप्लाई ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे। और लोकेशन आपका कहाँ पे रहेगा, कर्नाटका में रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस डिग्री, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपका। एज लिमिट यहाँ पे बताया गया 18 to 35, मतलब मैक्सिमम आपका 18 होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST वालों के लिए 5 years और OBC वालों के लिए 3 years। और यहाँ पे आपको सिलेक्शन मोड क्या होगा, आपका सिलेक्शन मोड रिटर्न टेस्ट होंगे आपके। एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बताया गया ST ST कैटेगरी के लिए 350 rupees लग रहे हैं, और ऑल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 500 rupees लग रहे हैं। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है 7 फरवरी से स्टार्ट है और 7 मार्च को आपका लास्ट डेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट बताए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है 505 टोटल वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है 28, जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का है 517, जूनियर इंजीनियर सिविल का है 29, जूनियर असिस्टेंट्स का है आपका 316। टोटल आपको वैकेंसी मिल जाती है 1492। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए BE होना चाहिए, फिर BTEC होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स। और आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी BE या फिर BTEC होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। तो ऐसे ही आपको सबके लिए बताया गया है। इसके लिए आपको जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट का भी क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पे आपको 500 rupees पे करने हैं एप्लीकेशन फ़ी में, ST ST को छोड़ के। ST ST वालों के लिए 350 rupees है एज लिमिट, आपको मिनिमम आपका 18 years। और यहाँ पे आपको 35 मेरिट कैंडिडेट के लिए है और कैटेगरी सेकेंड ए थर्ड बी के लिए 38 है। और यहाँ पे SC ST वालों के लिए 14 years है। सैलरी आपको यहाँ पे बता दी गई है सबकी। असिस्टेंट इंजीनियर का कितना रहेगा यहाँ पे दिया गया है 41,130 से लेके आपका 72,920 तक रहेगा आपको। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का बताया गया, जूनियर असिस्टेंट्स का भी बताया गया है यहाँ पे। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट है, आपका 17 मार्च को लास्ट डेट हो जाए। ये आपको यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया है सबमिट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए है ये पोस्ट, अगर इसको करना है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेने हैं आपको। और 10th का में आपको मार्क्स कितने मिले थे वो अपना नाम यहाँ पे और मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी क्या है वो फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेना है, एड्रेस क्या है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।